अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात बंगश है और मैं बलूचिस्तान फेंसर हूँ। ये फेंसिंग का गेम जो आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है 25 दिसंबर का, तो ये फेंसिंग गेम आप हमें बता दें कि ये फेंसिंग गेम है ही क्या असल में? एक्चुअली जो हमारा गेम है ये फेंसिंग, ये पाकिस्तान में थोड़ा न्यू है, लेकिन बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी सारा चल चुका है और लोग इसको जानने लगे। और ये बेसिकली जब प्रिंस और प्रिंसेस खेलते थे उसी से इंस्पायर होकर ये गेम ईजाद हुई है और ये बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग गेम है। तो बलूचिस्तान के लेवल पे ये गेम कहाँ तक पहुँची है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, तकरीबन 50 से अबव, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी सारा बलूचिस्तान में ये मशहूर हो चुका है। अच्छा, ये बता दें कि इस गेम के बारे में तो कोई ख़ास आजकल कोई नहीं जानता, तो आप हमें बता दें कि इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? बेसिकली इस गेम के 3 स्टाइल्स हैं। फर्स्ट है एपे, जो कि फुल बॉडी यूज़ होता है। उसकी ग्रिप जो है शॉट की वो ऐसे होती है लाइक पिस्टल, आप ग्रिप करते हो पिस्टल की जैसे ग्रिप होती है एपे की, वैसी है। सेकंड आपका आता है साइबर, जो कि अब हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, इसमें हाफ बॉडी आता है, जैसे हमने ये जैकेट पहना होता है हाफ बॉडी का वो होता है। और उसके बाद है एपे, एपे जो है हाफ से भी हाफ बॉडी होता है। अच्छा, ये बता दें कि ये जो सूट पहना हुआ है ये इलेक्ट्रिकल है, क्या है इसमें? ये इलेक्ट्रिकल है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक से इसको खेला जाता है, इसके साथ वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं शॉट को और फिर इलेक्ट्रिक पे इसके पॉइंट्स शो होते हैं हमें। अच्छा, ये किस हिसाब से, मतलब इसके स्कोरिंग कैसी है, आम बंदे को कैसे समझ आए कि ये बंदा जीत गया ये हार गया? रेफरीज जो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं और हम जो प्लेयर्स होते हैं आर्ग्यू भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इलेक्ट्रिक पे खेलो तो इलेक्ट्रिक पे आपको बहुत सिंपली पता चल जाता है कि किसका पॉइंट है और किसका नहीं। ये जो इन्होंने पहना हुआ है इसको हम मास्क बोलते हैं, बेसिकली आम वर्ड में उसको बोलते हैं हेलमेट, लेकिन इसका हम सही मीनिंग है मास्क। ये पहनना बहुत ज़रूरी है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है अगर एक प्लेयर इसको नहीं पहनेगा। और ये जो है हमारा किट है, फेंसिंग किट इसको बोलते हैं, ये स्पेशली हम चाइना से या दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। क्यों, ये फेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे प्लेयर थोड़ा सा सेफ रहता है। और जो इसने पकड़ा है इसमें हाथ में, इसको हम बोलते हैं सॉर्ड, नॉर्मल वर्डिंग में इसको बोलते हैं तलवार, लेकिन ये तलवार टाइप है, लेकिन ये है सॉर्ड, असल में सिर्फ फेंसिंग की सॉर्ड है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसके थ्रू हम गेम खेलते हैं। जो वो शॉट के साथ, ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं ये वायर शॉट के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो शॉट हमने अभी आपको दिखाया ये उसके साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जब ये शॉट दूसरे प्लेयर को डिप करता है तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स आते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसके थ्रू हम खेलते हैं फेंसिंग। ये हमारा जो है वायर है, ये ना शॉट के साथ, शॉट के थ्रू एक प्लेयर को टच होता है, कनेक्ट होने के बाद ये इसके साथ हम वायर से खेलते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक बॉक्स, जिसमें हमारा वायर सिस्टम जो सारा होता है वो होता है। और ये हमारा पिस्ट है, ये इंटरनेशनली पिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी इस पिस्ट में हम खेलते हैं। ये हमारा पिस्ट है, इस पर हमें पता चलता है कि कितनी लाइंस है और प्लेयर को किस हदूद तक रह के अब पीछे आना है या आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मुदस्सिर शावानी। शावानी साहब, ये जो फेंसिंग गेम है इसके बारे में आप बता दीजिए, कैसी गेम है और कैसे खेली जाती है? यार ये तो बहुत ही मशहूर गेम है, जो कि खासतौर ओलंपिक्स में खेली जाती है, जिसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स ऑफ गेम्स है, इसमें एपे, साइबर और फॉइल। तो इसमें बेसिकली जो शॉट्स का खेल होता है, जो आपस में खेलते हैं दो प्लेयर्स ओपोनेंट्स के साथ। क्या इसकी हिस्ट्री हमें बताते कि ये शुरू कहाँ से हुई थी, किन लोगों ने की थी? इसकी हिस्ट्री तो बहुत काफ़ी पुरानी जानी पड़ेगी आपको, मुग़ल दौर से। ये इसको कहते हैं शहजादों का गेम, जब शहजादे शहजादी खेलते थे एक साथ, उसी टाइम का दौर से, उस टाइम से बना हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आते आते अभी एक बहुत बड़ा गेम है जो कि ओलंपिक्स में खेला जाता है। अच्छा, तो ये बता दें कि ये कौन सी कंट्री में ज़्यादा खेली जाती है? ये जो ज़्यादा खेली जाती है, तो बेसिकली ये तो बहुत ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जो ओलंपिक्स में ज़्यादा परफॉर्म, मतलब आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कंट्रीज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कंट्रीज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, तो ये बता दें कि आप लोगों की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे इसको खेलने के लिए? अभी पहले तो नहीं थे, अभी तो आजी कासिम ने काफ़ी चीज़ें जो बाहर से इसके जो सारे मिलते हैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जो शॉर्ट्स हो गए, जो इलेक्ट्रिक मशीन जो आप देख रहे हो, ये सारे इन्होंने वहाँ बाहर से मंगवाई, ये सारे USA से मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते। अच्छा, तो अभी तक आपने क्या सीखी है फेंसिंग गेम में? मैंने तो अभी काफ़ी कुछ सीखी है, मैंने मतलब अभी जो 3rd नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, जो कि मैंने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं, जो एक्साइट के हैं चीफ एग्जीक्यूटिव।
کراچی کے ہیں، تو سر ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آج یہ بلوچستان میں آئے ہیں فرسٹ ٹائم، سر آپ اپنے خیالات بتا دیں، آپ فرسٹ ٹائم کوئٹہ آئے ہیں اور آپ نے اتنی بڑی ایونٹ کو اسپانسر کیا ہے، اور فرسٹ ٹائم ایسی کوئی پرائیویٹ کمپنی نے کوئٹہ میں اتنی بڑے ایونٹ کو اسپانسر کیا، سر آپ اپنے بارے میں بتا دیں۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ پاکستان ایکسائٹ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت اسپورٹس کو کافی سپورٹ کر رہی ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کا جو انٹرنیشنل لیول کا گیم ہے وہ یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ جتنا ٹیلنٹ ہے یہاں پر ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں، ہماری یوتھ میں، تو اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے طرف جو ہے وہ اپنی یوتھ کو جو ہے لے کر آنا ہے۔ تو ایکسائٹ پاکستان جو ہے وہ بالکل اس وقت سپورٹ کر رہا ہے ان تمام ایونٹس کو، اور اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پر جو ہے وہ اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہمارے یوتھ کی، اور ان کو اس طرف جو ہے نا لے کر آنے کے لیے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ لوگوں کا۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں بلوچستان ایسوسیشن کو جنہوں نے یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے، اور اس کھیل کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہم لوگ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کمپنیز آپ کے ساتھ ہیں، اور اس ایونٹ کو اور اس جو آپ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں اس کو بالکل جو ہے سپورٹ بھی کریں گے، اور ان فیوچر میں بھی لے کے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول کی جو ابھی جو آپ لوگوں نے کیا ہے فینسنگ کا جو ہے، یہ انٹرنیشنل گیم ہے، اور اس کو پروموٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اور بلوچستان کے اندر بڑی خوشی ہے کہ اس ایریے کے اندر جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، بچوں پہ محنت کر رہے ہیں، اور بچوں کا ماشاء اللہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل لیول کا ہے، تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، اور ان فیوچر بھی آپ لوگوں کو جو بھی سپورٹ ہوگی پاکستان ایکسائٹ پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ بالکل کھڑا ہے۔ سر بہاف آف ایکسائٹ پاکستان، آگے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے پاکستان کے اسپورٹس کے بارے میں، اور خصوصاً بلوچستان کے اسپورٹس کے بارے میں؟ جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایکسائٹ پاکستان جو ہے وہ بالکل بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گی، اور جو بھی اپ کمنگ ایونٹس ہیں اس کے اوپر بالکل ہم اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے جیسے اس ایونٹ کے اوپر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اپنے جوانوں کی، اپنے یوتھ کی حوصلہ افزائی کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔